हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्क्वायर रूट को निकालने के ट्रिक के बारे में। कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंडर दिया हुआ है, इसको रूट से के बाहर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसको बताऊंगा। और इस स्क्वायर रूट से निकालने का मैं दो मेथड्स बताएंगे, जिसमें से जो भी आपको ईजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो अगर आप RRB ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो पिछले साल हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर रूट से पूछे गए थे, तो मैं उस क्वेश्चन को भी वीडियो में लिया हूं, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए पहले कुछ इसके मेथड्स के बारे में जानते हैं। सपोज कीजिए, पहले अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर दिया हुआ है, अगर उसका यूनिट डिजिट एक है, चार है, पाँच है, छः है और नाइन है। देखिए, अगर एक है तो रूट से निकालने के बाद उसका यूनिट डिजिट या तो एक होना चाहिए या फिर नौ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी नंबर सपोज किया यहाँ पर 36, इसको रूट से निकालने कितना होगा, छः। मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना होना चाहिए, छः। छः क्यों, क्योंकि इसी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 36 यानी 6 हो जाएगा। इसी देखिए, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 2 और 8, 5 है तो 5 ही सिर्फ रहेगा, 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 9 है तो 3 भी और 7 भी। ठीक है, अगर किसी भी नंबर रूट में दिया हुआ है, अगर उसका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 है, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अदरवाइज उसका अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7, 8 है और एक सिंगल 0 है, तब वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस चार नंबर को याद रखिएगा, 2, 3 और 7 और 8। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर सिंगल 0 है, डबल 0 होगा तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर वही सिंगल 0 है तो भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए, चलिए अब हम निकालना सीखते हैं कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले अगर कोई नंबर सपोज किए, देखिए अगर 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर करने का पहले हम टेक्निक बता देते हैं कैसे होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए अगर 25 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, ठीक है, इसके नेक्स्ट प्लेस पे 2 है, 2 में एक बढ़ा करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 3, यानी कि 6, यानी 625 इसका रूट हो जाएगा। जिसके यूनिट डिजिट 5 हो तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सपोज कीजिए हम लेते हैं 65, ठीक है, 65 का स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, 6 में एक यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे, 6 × 7, यानी ये कितना जाएगा 42। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो हम लोग उसको ऐसे स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। अगर ये याद है तो काफ़ी आसानी हो जाएगा। अब कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा होगा तो चलिए इसको इस बेसिक को याद रखिएगा। चलिए अगर सपोज कर लेते हैं, अगर कोई नंबर रूट के अंडर दिया हुआ है, सपोज करें 1764 दिया हुआ है, इसको हमें रूट से निकालना है। देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, मतलब जो हम इसके रूट से निकालेंगे या तो 2 आएगा या फिर 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए इस दो नंबर को भूल जाना है, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ते हैं, लास्ट जितने डिजिट बचा हुआ है उसको देखेंगे। 17 है, 17 से पहले कौन सा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16, मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16। इससे जस्ट पहले वाले कोई भी नंबर होगा जो भी, उसको लेंगे। देखिए या तो 4 यहाँ पर लिख देंगे या फिर यहाँ भी 4 लिख लेंगे, मतलब या तो ये 42 का स्क्वायर है या फिर ये 48 का स्क्वायर, बस यही दो में से एक आंसर होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 42 ही होगा और 48 ही होगा, देखिए 42 और 48 के बीच में एक नंबर आएगा 45, ठीक है, 45 का आपको स्क्वायर पता होगा, तुरंत आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा ये 25, और 4 में एक जोड़ देंगे कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी 2025। देखिए 2025 मतलब 45 का स्क्वायर 2025 होता है, यहाँ पर दिया 1764, मतलब 2025 से कम है ये, मतलब 45 से कम वाले नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब 1764 का कितना हो जाएगा ये 42 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो, एक मेथड। दूसरी मेथड भी है इसकी, देखिए दूसरी मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। देखिए सेकेंड मेथड 1764 था ये,
देखिए, या तो ये दो होगा यूनिट या फिर एट होगा, ठीक है। ये दो कैंसिल, सेम मेथड ये भी है, 4 16 है तो 4 यहाँ भी यहाँ भी। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा होगा, देखिए एक तो 4 हो गया ये नंबर, ठीक है, और 4 से एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है। अब देखिए अगर ये 20 नंबर जो नंबर यहाँ प्रोडक्ट करने के बाद 20, ये जो नंबर 17, 17 से कम है, 17 से ये कम, 17 नंबर इससे कम है, मतलब कम वाला आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए 2304 है, सेकेंड मिनट बनाते हैं इसको। देखिए पहले क्या है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 होगा। अब देखिए 23 से पहले कौन सा परफेक्ट नंबर आता है, 4 16, यानी कि 4 या 4, 48 होगा या फिर 42 होगा, ठीक है। अब देखिए 4 से परफेक्ट एक बड़ा नंबर लेंगे, 415, ठीक है। इस 4 से एक बड़ा नंबर 20 आ गया, देखना है अगर इस 20 से 23 बड़ा है इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। अगर 20 से यहाँ पर कोई छोटा नंबर, पिछले क्वेश्चन का 17 आया था, मतलब छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर 20 से नंबर बड़ा हो गया तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे विधि से कैसे बनाएंगे इसको, बस सेम मेथड अप्लाई कीजिए, बन जाएगा ये भी। सही है, तो 42 होगा या 48 होगा, इसके लिए 45 आता है, 45 स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी 2025, 2025 से ये नंबर बड़ा है मतलब बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से निकालते हैं, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए रूट में अगर दिया हुआ है 8281, कैसे निकालेंगे इसके, देखिए ये क्या है, लास्ट में एक है, मतलब या तो एक होगा या फिर 9 होगा यूनिट डिजिट, ठीक, ये दोनों गैर। अब देखिए 82 है, 82 से पहले 81 आता है, इसका तो 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, या तो 91 होगा या फिर 99 होगा। अब देखिए 9 में एक जोड़ लीजिए 10, यानी कि 90, 90 क्या है, 90 से छोटा है, छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। या फिर इसको 95 की तरह से भी बना सकते हैं। ये था कोई भी नंबर अगर रूट के अंडर दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन जो पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में उसको देखते हैं, एक मिनट। अब देखिएगा सबसे रूट अगर डेसिमल दिया हुआ रूट में तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डेसिमल का भी सेम रूल है, कुछ नहीं है इसमें करना है। सपोज कीजिए अगर आपको दिया हुआ है 82.81, ठीक है, तो कैसे निकालें, देखिए तो डेसिमल को अब हटा दीजिए, 8281 का मल्टीप्लाई कर जो रूट होगा वो निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए अगर 2 0 है तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 1 0। सपोज कीजिए अगर आपका अगर लिखा हुआ है 100 नीचे में, इसको क्या लिखिएगा, डिसाइड डिवाइड करने के बाद 0.01, ये ना 2 0 अगर यहाँ पर है, 2 डिजिट का डेसिमल होता है, बस वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व। सपोज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रूट में 13.69, ठीक है, 13.69 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 2 0 है, अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर ये 100 होगा, 100 को अगर नीचे है रूट में तो ये रूट में नीचे को 10 आएगा ना, ठीक है, 10 आएगा जो भी नंबर आएगा। उसी ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, सिर्फ डेसिमल डिसाइड करना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा। अगर 2 डिजिट के बाद रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा बाहर, रूट से अगर 100 है तो 100 को निकालेंगे 10 जाएगा बाहर, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, मतलब 3.7 सब में है, 3.7 ही स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 3.7 होगा। इसे भी निकाल सकते हैं इसको 13.69 को कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, और 37 आएगा, 37 आ जाएगा ये, और इसको क्या कीजिएगा 10 से डिवाइड करिए, कितना होगा 3.7। इसी से देखिए 3481 का डायरेक्ट पूछा गया हमें स्क्वायर रूट कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या है, आप डायरेक्ट देखिए और ऑप्शन से ही आंसर मिला सकते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट अगर आप याद है तब इसको आंसर निकाल सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया है यूनिट डिजिट 3481 है, रूट से निकालेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो एक होगा एक फिर 8 आएगा, सॉरी 1 आएगा या फिर 9 आएगा। देखिए किस में है, एक यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर एक 9 है, यहाँ पर 7 है, ये भी दोनों में से कोई एक नहीं होगा, सिर्फ राइट क्या होगा 59 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको अगर मान लेते हैं यूनिट ऑप्शन में अगर सेम ऑप्शन दे दिया हो, 9 भी दे दिया हो, 1 भी दे दिया हो, तब कैसे निकालिएगा, तो सीधा 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक।
चौंतीस से पहले कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 मतलब 5 और 5 मतलब 51 होगा या फिर 59 होगा। 5 हुआ, 5 से एक बढ़ा के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30। 30 से नंबर बड़ा है मतलब बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 60025 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर 25 दिया है तो लास्ट में क्या होगा यूनिट, 5 होगा, इस दो नंबर को हटा दीजिए, 600 हो गया। 600 से पहले किसका स्क्वायर होता है, 24 का 576, तो 24 का 576। इसमें अगर 5 वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ एक ही नंबर यूनिट डिजिट जिसमें क्या होगा 5 होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए अगला है 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है, 4624 का। देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 होगा या फिर 8 होगा। देखिए 28 वाले देखिए सब में दिया हुआ है तो इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो लास्ट देखिए 46 से पहले 36 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 6 होगा या फिर यहाँ भी 6 होगा, मतलब 62 होगा या फिर 60, दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या करिएगा आप 6 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 42 से नंबर बड़ा है मतलब बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, या फिर ये 65 रूप अप्लाई करके बना सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, रूट अंडर 108900। देखिए सिर्फ लास्ट का रूट डिजिट है तो रूट से निकलेगा सिर्फ एक डिजिट बचेगा, एक जीरो बचेगा, 1089 है। 1089 को आप स्क्वायर रूट निकालना है, या तो यूनिट डिजिट या फिर कितना होगा इसका, 7 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। 73, अब देखिए 10 से पहले 3 आता है, 33 यानी कि 3370 होगा या फिर 330। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 12, मतलब 12 से ये कम है तो कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है, देख लीजिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, इसको भी पूछा गया है वर्गमूल निकालना है। देखिए 8821922। देखिए लास्ट में क्या यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब डिवाइड कर इसको काट लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कितना होगा 441 बाई ये कितना हो जाएगा 9 18 6 और 1, मतलब 441 बटे 900। देखिए 441 का याद होगा या किसका होता है स्क्वायर रूट, तब ये याद ही होगा, इसे भी निकाल सकते हैं या फिर जैसे भी निकालना चाहिए आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन सिर्फ डेसिमल में दिया गया है। देखिए पहले हम डेसिमल को छोड़ देते हैं, देखिए अंडर रूट कितना दिया हुआ है 69169 का रूट के अंदर से निकालना है। देखिए दो डिजिट है तो क्या होगा 3 या फिर 7 आएगा यूनिट डिजिट में, 691, ठीक है। अगर 691 है तो क्या होगा आपको याद होगा, ये तो 26 से पहले कितना 676 होता है, मतलब 26 या फिर 26 यानी 263 होगा या फिर 267 होगा, 26 27 को या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सभी क्या है सेम है, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, 263 ही होगा आंसर इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिएगा, या फिर देखिए ऑप्शन देखिए 263 जो 267 दिया भी नहीं हुआ, या फिर देखिए इसको डेसिमल अगर सिर्फ यूज कीजिए, डेसिमल के पास चल जाए किसने डेट के बाद डेसिमल देना है। देखिए पहले पॉइंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। इसमें देखिए 3 डिजिट का डेसिमल है, इसमें देखिए 4 डिजिट का डेसिमल, इसमें 5 के इसमें 6, मतलब सिर्फ डेसिमल चेक करने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन में, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, ये सिर्फ डेसिमल के लिए था इसलिए इतना। देखिए अगला क्वेश्चन है 63368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी छोटी संख्या से गुना, कौन सी छोटी छोटी संख्या है उससे हमें इसको गुना करना है। देखिए 63368 है, अब इसको क्या करना है फैक्टराइज करके आपको निकालना पड़ेगा, फैक्टराइज नहीं करना है काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। 4 से करेंगे कितना यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है।
8 से करेंगे तो 4 ये हो सकता है, और 2 से करेंगे तो 16 ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब ये 2 और 8 में डिसाइड करना है। देखिए अगर हम 8 से सपोज कर दें, छोटी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 8 से कर देंगे तो कितना हो, देखिए 2 2 2 फैक्टर यही होगा, और 2 1 2। मतलब देखिए अगर ये इसमें 2 का कमी है, अगर सपोज कर इसमें अगर 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 को 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। छोटी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियो मैं और भी इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। RRB ग्रुप डी के पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम चैप्टर वाइज इस चैनल पर सॉल्व करवा रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।